बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम अख्तर राजा चैनल की तरफ से खुशामदेद। सबसे पहले नबी पाक और उनकी आल पर दरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, आज हम आपको वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाकर बता रहे हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज नाज़रीन ये बना है हमारा। आप हमारी रेसिपी को फॉलो करके ये पिज़्ज़ा बनाएं और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा नाज़रीन, और आप हमें दुआएं देंगे। चले आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये पिज़्ज़ा पैन ले लेना है आपने, और इसको अच्छी तरह आपने ऑयली करना है ब्रश की मदद से। सारा आपने अच्छी तरह ऑयली करना है। अब नीचे नाज़रीन आपने खुशका डाल के इसके ऊपर पिज़्ज़े की दो चौंसी है वो रखनी है। इसको हमने पहले बना लिया था और ये आपको पहले भी बता चुके हैं कई दफ़ा बनाकर, आपको डो की भी रेसिपी हमने शेयर की हुई है। इसको आपने ऐसे बेलने की मदद से, आपने जितना आपका पिज़्ज़ा पैन है उतना आपने इसको बेलना है। जितना पिज़्ज़ा पैन था नाज़रीन उतना हमने इस डो को कर लिया। अब उठा के इस पैन के अंदर आपने इसको फिट करना है, और किनारों को अच्छी तरह आपने हाथ की मदद से चारों तरफ अच्छी तरह आपने दबाना है ताकि ये इक्वल बिल्कुल साइज़ का हो जाए। बिल्कुल आपने ऐसे दबाते जाना साइडों पे। नाज़रीन, पिज़्ज़ा पैन में डो को फिट करने के बाद आप इसके अंदर आपने एक कांटे की मदद से ऐसे सुराख करते जाना है। सारे पिज़्ज़े के ऊपर आपने सुराख करने हैं कांटे की मदद से। नाज़रीन, कांटे से सुराख करने के बाद अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा पेस्ट डालेंगे। इसकी भी रेसिपी हमने पिछले पिज़्ज़े में आपको बनाकर बताई थी, सारी रेसिपी शेयर की थी। इसको सारी तरफ आपने चारों तरफ अच्छी तरह फैला देना पिज़्ज़े के ऊपर। नाज़रीन, पिज़्ज़ा पेस्ट लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम चीज़ डालेंगे। ये चारों तरफ आपने थोड़ा थोड़ा चीज़ डाल देना। नाज़रीन, चीज़ लगाने के बाद आप इसके ऊपर शिमला मिर्च आपने छोटी छोटी काट लेनी है, वो उसके ऊपर लगानी है। ये ऐसे चारों तरफ आपने लगा देनी है। अब नाज़रीन, इसके ऊपर हम टमाटर लगाएंगे, और टमाटर के बीज आपने निकाल कर ये छोटा छोटा आपने काट लेना है। उसके बीज आपने सारे ख़त्म कर देने हैं। नाज़रीन, टमाटर के बाद अब इसके ऊपर छोटे छोटे प्याज आपने काटने हैं, और वो आपने चारों तरफ लगाने हैं। ये देखें कितना खुश रंग हमारा पिज़्ज़ा हो गया। ये देखें, करीब से आपको बता रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त नाज़रीन कलरफुल है। अब नाज़रीन, प्याज के बाद जलपिनो, ये मिर्च है, ये आपने काट लेनी है छोटी छोटी। ये इसके ऊपर लगानी है आपने थोड़ी थोड़ी, जितना आप टेस्ट कर सकते हैं उतनी लगाएं। जलपिनो मिर्च के बाद अब इसके ऊपर आपने स्वीट कॉर्न जो उबाल लिए हमने, ये इसके ऊपर आपने लगा देने हैं पिज़्ज़े के। देखें कितना कलरफुल नाज़रीन हमारा पिज़्ज़ा बन रहा है। स्वीट कॉर्न के बाद अब इसके ऊपर आपने ये चीज़ लगा देनी है नाज़रीन, फुल इसको कवर कर देना चीज़ से। नाज़रीन, चीज़ लगाने के बाद इसके ऊपर आपने ग्रीन सीडलेस ये ऑलिव ये आपने लगाने हैं सारे पिज़्ज़े के ऊपर। नाज़रीन, ग्रीन ऑलिव के बाद अब इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव आपने लगाने हैं सारे पिज़्ज़े के ऊपर आप लगा दें। नाज़रीन, ऑलिव लगाने के बाद इसके ऊपर हम कुटी हुई लाल मिर्च ये थोड़ी थोड़ी आपने ना सारे पिज़्ज़े के ऊपर छिड़क देनी है आपने ऐसे। नाज़रीन, मिर्च लगाने के बाद इसके ऊपर आपने ऑरिगैनो ये फेंकना है ऐसे थोड़ा थोड़ा, और ये रेडी टू कुक के लिए रेडी हो चुका है नाज़रीन ये पिज़्ज़ा। नाज़रीन, ये भी पिज़्ज़ा हम आपको बग़ैर ओवन के बनाकर बता रहे हैं। ये देखें, हमने आग नीचे जला ली है, और उसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा पैन रख दिए, और इसके ऊपर ढक्कन लगा के 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह खोलेंगे, और आग आपने बिल्कुल मध्यम कर देनी है। नाज़रीन, 15 मिनट हो चुके हैं और हमने ढक्कन उठाया, और ये देखें हमारा पिज़्ज़ा जो है वो नाज़रीन बन चुके हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज नाज़रीन बने। अभी हम आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं नाज़रीन, ये करीब से आपको बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही शानदार बन चुका है।
नाज़रीन, ये वेजिटेबल पिज़्ज़ा हमारे सामने आ चुका है और बहुत ही नाज़रीन शानदार बना। बिल्कुल आप मार्केट से जो पिज़्ज़ा लाते हैं उससे भी बेहतर ये घर पर बन चुका है। ये आप घर पर ज़रूर बनाइएगा और हमारी रेसिपी को फॉलो करके ये बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। ये वेजिटेरियन जोन से है वो, उनके लिए आज ये मैंने डिश बनाई है और बहुत ही ज़बरदस्त नाज़रीन ये बनी है। आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ये लिख कर बताना है कि आपने इसे बनाया और क्या कैसे आपने इसको सर्व किया और कैसे आपने इसका लुत्फ़अंदोज़ हुए। एक दफ़ा सूरह फातिहा मेरी वालदैन के लिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।